कुरला कसाईवाड़ा में हत्या के बाद घर में छाया मातम, घर का एक चिराग बुझा तो दूसरे चिराग के लिए की जा रही है दुआ। इनकी आपसी दुश्मनी के इससे मेरा भाई शिकार हो गया, एक घायल हो गया, एक अलग और प्यारा हो गया। मुझे इतना ही सरकार से कि मुझे पहले इंसाफ चाहिए, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो किसी का कुछ नहीं, किसी की औलाद छीनते इनको क्या मिलता है। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे मैं आपको लगातार खबरों में दिखाता हूँ किस प्रकार से कुरला कसाईवाड़े में परसों एक खूनी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद में हमने घटना स्थल की तस्वीरें दिखाई, पुलिस का जो बयान था वो दिखाया। अब जो परिवार जिसके घर का एक चिराग बुझ गया है, अदनान परिवार हमारे साथ में मौजूद है, बहनें हमारे साथ में मौजूद है उनकी, जिनके गोद में अदनान खेला करता था उसी के गोद में अदनान ने दम तोड़ दिया था, वो बहन हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कहेंगे अदनान आपकी गोद में खेल के इतना बड़ा हुआ था और आप ही की गोद में उसने दम तोड़ दिया, क्या ऐसा क्या छोटे बच्चे से बड़ा करी, आज मेरे दम पे मेरे भाई मेरे एकदम हाथ पे टूटा। इनकी आपसी दुश्मनी के इससे मेरा भाई शिकार हो गया, एक घायल हो गया, एक अलग और प्यारा हो गया। मुझे इतना ही सरकार से कि मुझे पहले इंसाफ चाहिए, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो किसी का कुछ नहीं, किसी की औलाद छीनते इनको क्या मिलता है। हम लोग आ रहे थे तवा उधर से चौकी से, मेरे पहले मामू का फोन आया 9 बजे 9:30 बजे के टाइम पे, बोला ऐसे ऐसे मसला है, आसिफ को घायल कर दिया, आसिफ को झगड़ा हुआ। तो हम लोग निकले वहाँ से निकले तो उन्होंने बोले शताब्दी गोंडी में लेके गए, गोंडी के शताब्दी में लेके गए। तो वहाँ गए, पहुंचे तो वहाँ उन्होंने क्या बोले, हम लोग निकल गए चुना भट्टी लेके आए, चुना भट्टी पहुंचे तो उधर सूर्य नेहरू नगर में भेजे, नेहरू नगर वाले इधर भेजे। इन लोग का FIR वगैरह चालू था आसिफ का, इसका, इन लोग का। तो मेरे भाई को आज 3 दिन जिसका मर्डर हुआ उसको आज 3 दिन में बोले अब मैं यहाँ से जाती हूँ मानी, क्योंकि मसला बहुत बेकार हो जाएगा। और ये मेरी बहन थी, इसको ये रहती है उधर पे टैक्सी स्टैंड के पास कसाईवाड़ा में, इसको हम लोग छोड़ने जा रहे थे, दोनों को इसको छोड़ने जा रहे थे। तो आरिफ है ना, जो आरिफ को लोग, उसके साले लोग और बाहर के कुछ लोग और उसकी बहनें, जो आरिफ को गप गप चुरा चुरी क्या था उनके हाथ में, अल्लाह जाने उससे वार कर रहे थे उन लोग। मेरा भाई बचाने गया तो मेरे भाई को छोड़े उन लोग ने, मेरे भाई को सीने पे मारे, सीने पे मारने के बाद उसको नीचे लिलाए, नीचे लिलाते लिलाते हाथ पैर सबके जोड़ने लगे, मेहंदी विंदी सब, मगर किसी ने नहीं मारी सुनी। हमारे को खाली इतना ही क्या इंसाफ चाहिए, मेरा भाई उसी जगह मेरे हाथों पे दम तोड़ दिया। अच्छा, ये सब आप ही के सामने हो रहा है? आंखों के सामने हुआ भाई, मेरे आंखों के सामने मेरे भाई का जनाजा हाथ में आया, मेरे हाथ में मेरा भाई मर गया। जब मेरे बाप का सहारा था, मेरे अब्बा के दो सहारे थे, एक अल्लाह को प्यार हो गया और एक दवा खाने में अभी तक है ICU में। मुझे सरकार से सिर्फ इंसाफ चाहिए बस, मुझे और कुछ नहीं, मुझे पुलिस वालों से कुछ लेना देना नहीं, खाली मुझे सरकार से इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे भाई की हिफाजत के लिए एक अल्लाह को प्यार होगा। मगर इन लोग से मुझे खतरा है, इन लोग से हर चीज उसे खतरा है मेरे को। मेरा भाई मेरा हाथों में दम तोड़ दिया, अगर कोई रुकता तो उधर इतने लोग थे मगर किसी ने आया नहीं हमारे साथ मदद के लिए। आपका भाई और आप लोग वहाँ क्या कर रहे थे, मतलब क्योंकि जिस तरीके से पूरा एक प्लानिंग किया गया था, पहले आसिफ को मारा गया, लोग ने प्लानिंग करते आरिफ को मारने के लिए, मगर पहले आसिफ को मारा गया, फिर आरिफ को मारने लगे, तो आप लोगों को क्या आरिफ ने बुलाया था? नहीं, नहीं, या आप लोग वहाँ मौजूद? हम लोग वहाँ पर जा रहे थे मेरी बहन को ढूंढने के लिए, हम लोग आए थे आसिफ के मसले से। तो हम लोग बोले अभी उसको टाइम हो रहा, काले साहब पुलिस वाले लोग उसके FIR दर्ज कर रहे, तो हम लोगों को लेट हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ से 1 बजे निकल गए, 1:10-15 मिनट में निकल गए वहाँ से। वहाँ से निकले तो हम लोग आ रहे थे मेरी बहन को छोड़ने के लिए टैक्सी स्टैंड पे, टैक्सी स्टैंड पे देखे ना गटर के पास आरिफ को इतने लोग उसने मार रहे छुरे चाकू से, क्या उसको एकदम खूनम खून हो गया था वो। और मेरा भाई चलती गाड़ी में रोक के उसको 20 सड़क पे रोका के ले गया, वो गया तो उसको छोड़े सबको उसको पकड़ लिए मेरे भाई को एकदम से। आपके भाई की कुछ दुश्मनी थी? नहीं, मेरे भाई से कोई दुश्मनी थी नहीं, जो आरिफ को बचाने आया था उन लोग उसको ही मारेंगे, उसको मारेंगे। उन लोग इतने फायर में थे, उन लोग को खुद को सुध बुध नहीं, क्या कर रहे क्या नहीं, जो मिल रहा उन लोग को उससे छुरा चाकू सबसे, एकदम फायर में थे उन लोग, सबके हाथ पैर सबके जोड़ लिए, किसी ने नहीं मगर सुना हमारा आके उधर बाथरूम के पास पे अचानक मेरा भाई मेरे हाथों में दम तोड़ दिया था। मेरे को इतना मालूम है मेरी माँ के दो थे, एक भी नहीं, एक अल्लाह को प्यारा और एक दवा काले में। मेरे को सरकार से इंसाफ चाहिए, सरकार से इंसाफ नहीं मिलेगा तो कोई माँ सरकार पे भरोसा कभी जिंदगी में नहीं करेगी, इतना पता है मेरे को। लगातार बहन लोगों से अपील करती रही, गिड़गिड़ाती रही लोगों के सामने, मगर लोग तमाशा बीन बन के खड़े रहे और इस पूरी वारदात को देखते रहे। उनकी छोटी बहन भी मौजूद है जो जहां पर ये लोग गए थे उनके घर पे उन्हें छोड़ने, इसके बाद में इस तरीके की वारदात अंजाम दिया गया।
आपका नाम क्या है? आपके सामने भी इस तरीके की घटना हुई है? मेरा नाम रेशमा अदनान अंसारी है। मैं हम लोग चूनाभट्टी चौकी से निकले, मेरे भाई को बहुत नींद आ रही थी, सुबह गाड़ी पे जाता है, बोला बैठे बैठे सो रहा था वो, मुमानी हम लोग की बोले फोन किया, मतलब मेरे नाना से पूछे क्या इन लोग को भेज दूँ क्या, मैं नाना बोले ठीक है जाओ तुम लोग, तो हम लोग वहाँ से निकले, मेरा भाई मेरे को बोला, मेरे भाई को मैं बोली चल मेरे को छोड़ दे बोल के, मैं टैक्सी स्टैंड पर रहती हूँ, मेरा भाई छोड़ने आया, हम लोग को कुछ भी नहीं पता था कि अगर आरिफ को मार रहे थे या लोग की प्लानिंग थी या लोग पहले से सब करके रखे थे, हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम था, या लोग की दुश्मनी निकाल दे मेरे भाई से, हम लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। आरिफ को लोग चूनाभट्टी चौकी में, आरिफ भी आया था, आरिफ को उसके दोस्त लोग बाइक पर बिठा के लेके गए, लोग किधर और जा रहे थे तो लोग वो बाजू से घूम के आए, आरिफ का दोस्त आगे था, उनके पीछे कोई दूसरा दोस्त था, आरिफ तीसरे नंबर पर बैठा था, आरिफ को पीछे से लोग ने खींचे, आरिफ को मारना चालू करे, हम लोग को कुछ भी पता नहीं था। हम लोग उधर से जा रहे थे तो मेरा भाई देखा तो पूरी गर्दी जमी थी उधर पे, उन लोग तो थे जो मारे थे, उन लोग भी थे, उन लोग के घर की लेडीज भी थी और भी आदमी लोग खड़े थे, लेकिन कोई छुड़ा नहीं था, जो आरिफ के दोस्त लोग थे उन लोग बीच में छुड़ा रहे थे आरिफ को, तो हम लोग मेरे भाई को देखा नहीं गया, मेरे भाई को हम लोग बोले अदनान को क्या मत जा बीच में, लेकिन हम लोग को नहीं पता था कि लोग हाथ में छुड़ा चाकू क्या है, हम लोग को कुछ भी पता नहीं था, हम लोग को लगा कि लोग हाथ से कुछ करते, जब उसको खून देखे हम लोग, तो जब मेरा भाई नीचे उतरा आरिफ को बचाने, तो लोग ने आरिफ को छोड़ा, आरिफ की नीचे मुंडी करके आरिफ को पीछे पीठ पे मार रहे थे, तो लोग ने आरिफ को छोड़े, आरिफ क्या मालूम किधर गया किधर नहीं गया, हम लोग ने आरिफ को देखे नहीं, उन लोग ने मेरे भाई के सीने पे दिल पे मारे, मेरा भाई उधर ही पे बेहाल हो गया, मेरा छोटा वाला भाई उतरा तो मेरे छोटे वाले भाई को भी लोग ने घायल करे, मेरे छोटे वाले भाई की आवाज़ निकली नहीं, हो बोला मामू बचाओ बोल के, दूसरी बार फिर डर लोग मारे, मेरे मामू इमरान गुफरान खान उनको लेके, इमरान सलीम कुरैशी को लेके दवाखाना भागे, अदनान को लोग ने दिल पे मार के, अदनान उधर से गटर के पास से बाथरूम तक भागने की कोशिश करा, बचने की बहुत कोशिश करा वो, लेकिन उन लोग ने सुने नहीं, उन लोग ने सलमान सफान इमरान अमन अन्नू इन लोग सब लोग उसके पीछे आए, अन्नू उधर खड़ा था, आंचल खड़ी थी उधर, अन्नू बोला इन लोग को बिंदास बोले वार करो, बिंदास इन लोग को फाड़ो बोल के, अन्नू के हाथ में था, अन्नू ने भी मारा, आंचल थी, आंचल की बहन थी मेहंदी, सना थी, आंचल की माँ थी सना, मेहंदी ने मेरा पीछे से बाल पकड़ी थी, आंचल ने मेरा पीछे से हाथ पकड़ी थी, हम लोग को बचाने की बहुत हम लोग बहुत कोशिश कर रहे मेरे भाई को, लेकिन मेरे भाई को लोग ने नहीं बचाने दिए, अब इन लोग की प्लानिंग थी या इन लोग की दुश्मनी थी हम लोग को कुछ पता नहीं था, हम लोग ना इन लोग को जानते ना पहचानते, हम लोग खाली मेरे मामू के जरिए से हम लोग आए थे मेरे मामू को देखने के लिए, हम लोग ने बहुत कोशिश करे, सलमान ने मेरे को ढकेल दिया, मैं बीच रोड पे सो गई, सामने से गाड़ी आ रही, सलमान के हाथ पैर जोड़े लेकिन सलमान ने सुना नहीं, सलमान टांग में पैर में घुसा के उसकी मुंडी, सलमान भी मार रहा, अमन भी मार रहा, इमरान भी मार रहा और वो भी अन्नू भी मारे, लोग पाँच छः जन था, दो तीन जन और थे, मैं उसको उन लोग का नाम नहीं जानती, एक सुकड़े जैसे थे, एक थोड़े मोटे थे, उन लोग को मैं नहीं जानती, चार लेडीज थे और छः सात जेंट्स लोग थे, पुलिस उन लोग को कार्रवाई, पुलिस ने उठाई हम लोग को, हम लोग ना नहीं बोला कि पुलिस हम लोग की बहुत मदद करी है, लेकिन हम लोग इतना चाहते अगर कल के दिन पुलिस भी अगर उसके आगे करती थी तो आज किसी की जान नहीं जाती थी, इन लोग थोड़ा करते थोड़ा निकल के आ जाते। एक चीज में अभी प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? हम लोग को खाली इंसाफ चाहिए। आप भी वहाँ पर मौजूद थे तो किस तरीके से आपने जो इमरान था उसकी जान बचाई, जो एक भाई था छोटा वाला, उसकी भांजा है, मेरा छोटा भांजा है और जान से प्यारा है मेरे, लेकिन अचानक ही ऐसा क्या हो गया पूर्णिया सा कि हम लोग रिक्शे से गुजर रहे थे वहाँ से इसको छोड़ने के लिए, मेरी भांजी को रेशमा को, तो उन लोग नाले के ऊपर आरिफ के साथ बहुत अत्याचार मतलब उसको मार रहे थे, छुरी चाकू से मार रहे थे, तो मेरे भांजे को तो देखा नहीं गया, वो खुद ही मार के उसको बचाने के लिए गया, छुड़ाने के इरादे से गया था, हम लोग को तो झगड़ा वगड़ा कुछ हम लोग को मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हम लोग अनजान थे, तो मेरा भांजा उसको बचाने के लिए गया, तो इन लोगों को एक बहाना मिल गया, उन लोगों ने आरिफ को छोड़ दिए और मेरे भांजे को डायरेक्ट सीने पे चाकू घुसा दिए, तो उसको देख के मेरा छोटा वाला भांजा उसको बचाने के लिए गया, मेरे निकले तक कि उन लोगों ने उसके भी सीने पे चाकू घुसा दिए, तो चाकू फंस गई थी, जब उसने चाकू खींचा सलमान, ये मेन मेरे भांजी की जान लेने वाला है सलमान और एक अनु, ये पूरे सतजन का जो झगड़ा हुआ आज मेरे कितने लोग टोटल इन लोग पांच थे और जो इन लोग के दोस्त लोग भी थे, मैं उन लोग को नहीं जानता, मैं मुमरा में रहता हूँ, मैं इन लोगों को नहीं जानता, मेरी इन लोग ना रिश्तेदारी है ना दुश्मनी है, मैं खाली इतना जानता हूँ इन लोग ने मेरे भांजे के साथ बहुत गलत किए, मेरा भांजा खाली छुड़ा नहीं, इन लोग के सर पे खून सवार था, तो आपने भी दो लोगों को कैसे बचा पाए, क्या वहाँ पर कुछ लोग ने आपकी मदद करा है? मेरी किसी ने मदद नहीं किया, मैं खुद काँप गया था, मेरे भांजे का इतना खून चले गया, मेरा भांजा 20 सड़क पे पलटी पड़ा था, पीरत भाई वगैरह लोग
उन लोग को पकड़ रहे थे, बहुत कोशिश उन लोग भी कर रहे थे, आरिफ को उन लोग ने बचाया, लेकिन इन लोगों ने मेरे भांजी की हत्या करने के बाद में इन लोगों ने आरिफ को और मार मार के रिक्शे में डाल के चूना भट्टी की जो दरगाह है वहाँ पे ले जाके उन्होंने फेंक दिए। मैं उससे पहले ही मेरे छोटा वाला भांजा इमरान सलीम कुरैशी, मैं उसको इसकी जान बचाने के लिए मैं घबरा के उसको रिक्शे में लेके मैं राजावाड़ी हॉस्पिटल, आरिफ को मार के उन लोगों ने रिक्शा में डाले और वहाँ जाके फेंक दिए। यहाँ तक जो फेरोज भाई जो उन लोगों को छुड़ा रहे थे, वो फेरोज भाई को भी उन लोगों के साथ जो चार जन थे उनके दोस्त लोग, उनको रिक्शा से उड़ा के ही निकले हैं और वो सीसीटीवी कैमरे में वो आया है। पुलिस अगर चाहे तो कैमरा निकाल के देख ले तो हम लोग की बहुत भलाई होगी। ये लोग को कैसे पता चले कि आरिफ पुलिस स्टेशन से निकल चुका है और फिर ये लोग उसके बाद हम लोग नहीं जानते, हम लोग वो सब चीज से नजरअंदाज है, हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग अनजाने, हम लोग निकल रहे थे घर के लिए, लेकिन मेरी भांजी ने होते हुए बोली मामू हम लोग मेरे को घर पे छोड़ दो, फिर तुम लोग घर पे चले जाओ। हम लोग बस जा रहे थे इसको घर पे छोड़ने के इरादे से, लेकिन बीच रास्ते में ये हादसा हुआ, मेरे भांजे लोग से नहीं दिखा गया, कितना भी है मामू है तो उसको बचाने के इरादे से गए, लेकिन इन लोगों ने उसके ऊपर ही खूनी वार करके उसको मौत के घाट उतार दिए। कहा जाता है माँ का लाडला और घर का चिराग जो कि अदनान और इमरान थे। अब देखना ये रहेगा कि इस पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान में तो लिया है, 9 आरोपी को अरेस्ट किया है। माँ और बाप दोनों हमारे साथ में मौजूद है, माँ हाउसवाइफ है और बाप पैर से अपंग है जो अपना जल जीवन खुद से नहीं बिता सकता है, जो कि अपने दोनों चिराग पे ही निर्भय था, जिसके बाद में इस बाप का एक चिराग बुझ चुका है। तो बाप हमारे से मुझे उनसे बात करेंगे। सर आप लोग को इसकी खबर कब लगी और अभी आपके घर का एक चिराग बुझ गया है, दूसरा कहीं ना कहीं ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं? भाई साहब इसमें ना उमर भाई का पूरा हाथ है। उमर भाई ने ना उनको मालूम था क्या मेरे लड़के उनके लड़कों से लड़ाई हो रही है, उनके लड़कों से लड़ाई हो रही है, तो उनको उनका फ़र्ज क्या बनता था कि एक मेरे को फ़ोन मार के बोलते थे भाई मेरे बेटों से लड़ाई हो रही है वहाँ पे तुम मत आओ, तो मेरे बच्चे लोग नहीं आते थे। अब मेरे बच्चे लोग गए थे ये लड़की को छोड़ने के लिए, अब वो लोग ने फ़ोन करके उन्होंने बुलाया यहाँ पे हमारे को, ये लड़की लोगों को मेरी उसको बुलाया वहाँ पे कि आप आ जाओ यहाँ पे, औरतें लोग आए थे उनका काम करने का है, तो समझ में ना उमर भाई को सब मालूम था, लेकिन उन्होंने वो जानबूझ के मेरे को बताया नहीं ये बात। वो ये तो मालूम नहीं रहा होगा कि वो लोग इस तरीके से खूनी वारदात को अंजाम दे देंगे, ये अगर मालूम होता किसी को उनका लड़के से हो रहा था तो उनको मालूम था, उनको मालूम। मामला जब पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस मामला दर्ज कर रही थी और इसके बाद में, मगर यहाँ पर जो एक प्लानिंग करी गई, हालांकि मारने की प्लानिंग तो आरिफ को करी गई थी, मगर जो आपका लड़का था वो बहुत दिलेर था जो उसने हिम्मत करके अपने मामू को बचाने गया। सर मैं हैंडी के आदमी हूँ, मेरे देखो दो लड़के थे और दोनों भी माशा, एक तो अल्लाह को प्यारा हो गया और एक है उसमें हॉस्पिटल में भर्ती है, मेरे पास कोई कमाने का जरिया नहीं है अभी, मैं एकदम अपाहिज आदमी हो गया हूँ। अगर हो सकता है तो कुछ भी ऐसा करा हो कि जो मेरा गरीब हाँ हो जाए कुछ अच्छा, जो मेरा मैं हैंडी के आदमी हूँ मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि माँ मौजूद है, माँ जो कि अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करती है, उनसे बात करते में क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा गया मेरे को इंसाफ चाहिए बस, मेरे को कभी भी भरोसा नहीं, मेरे बच्चे लोगों पर बहुत जानती, मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरे तीन बच्चे को आप कौन देखेंगे, मेरा आदमी पैसे पंगे, मेरे को इंसाफ चाहिए बस, अगर तुम्हारे भरोसे पर मैं कहा तुम इंसाफ नहीं देगा तो कौन देगा हमको, बस मेरे को इंसाफ चाहिए बस, मेरे को वो चाहिए। अच्छा तीन दिन से मेरे घर में मैं घुस रही ना, मेरे जैसा लग रहा मेरा बच्चा मेरे बाजू में बैठा है, मेरे को आवाज़ दे रहा, मेरे को इंसाफ चाहिए बस, मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे के लिए, मेरे को इंसाफ चाहिए, तो मैं आगे हाथ जोड़ती पाए वो तो मैं पैर भी पकड़ने तैयार, बस मेरा बच्चे लोग के लिए इंसाफ चाहिए। हमारे घर में चिराग था दोनों, सब मेरे को इंसाफ ही चाहिए, अगर तुम्हें इंसाफ नहीं देगा तो किसके पास जाके इंसाफ मांगने, आप बोलो मेरे को इतना बस। हालांकि पुलिस ने इस मामले में माजी 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस की इस कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? अच्छी कार्रवाई है, अच्छी है, मैं बोले ना बहुत अच्छा कर रहे लोग, बहुत साथ दे रहे हम लोग का, जैसा सबका होता वैसे होना चाहिए उसका भी, बस जैसा कि माँ डायलिसिस पेशेंट है और बाप हैंडीकैप है और बहनें जो कि दूसरे घर में रहती हैं ब्याही हैं, मगर अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में जिस तरीके से इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया है, धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है, बर्फ़ तोड़ने वाले टोचे का इस्तेमाल किया गया है, बेरहमी से अदनान की हत्या कर दी गई है, इमरान को मारा गया है,
आरिफ को मारा गया है, आसिफ को मारा गया है, इन चारों लोगों को लगातार जिस तरीके से पहले आसिफ को मारा गया, बाद में आरिफ को मारा गया, आरिफ को बचाने गए अदनान को जान से मार दिया गया, और इमरान और आरिफ जो कि जिंदगी से अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पूरी घटना कुरला कसाईवाड़े में हुई है और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कानून व्यवस्था पे, मगर पुलिस भी लगातार कमर कस के ऐसे अपराधियों को तड़ीपार कर रही है और MCOC लगा के इन्हें कहीं ना कहीं खदेड़ना शुरू कर रही है, मगर इसके बावजूद लोगों के दिल में पुलिस प्रशासन का खौफ साफ तौर पे इस क्षेत्र में तो नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना ये रहेगा इस क्षेत्र के लिए DCP हिमराज सिंह राजपूत किस प्रकार से आपराधिक गतिविधि पे लगाम लगाने का काम करते हैं, और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया है, और इसकी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे।